सो हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यू पी एस सी यूट्यूब चैनल के अंदर एंड uh, जो नेशनल पार्क है ये इसका फोर्थ लेक्चर है वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेशनल पार्कस सो नेशनल पार्क जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सो दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर तीन लेक्चर ऑलरेडी उसका प्ले लिस्ट है देख लेना क्योंकि अलग, अलग अलग जो भी है तो उससे प्रश्न बिल्कुल बन सकते हैं तो गुजरात में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सो so, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गुजरात का किया था तो गुजरात में नेक्स्ट है दैट इज़ ब्लैकबर्ग नेशनल पार्क दैट वी कॉल इट एज ब्लैक नेशनल पार्क ये जो ब्लैकबक नेशनल पार्क है इट इज़ बेसिकली इसमें क्या फेमस है कि ये यहाँ पे यू हैव अ सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स आर दे यू हैव सब ट्रॉपिकल ग्रास लैंडस तो ये फैक्ट आपको याद रखना मतलब बेसिकली यहाँ पे यू हैव सब ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स हैं एंड इट दे आर ऑल्सो लोकेटेड कहाँ पर वेस्टर्न लोकेटेड वेस्टर्न शोर ऑफ शोर ऑफ गल्फ ऑफ इसके लोकेशन की बात करें तो दैट इज़ वेस्टर्न शोर ऑफ गल्फ़ ऑफ काम्बत् और जो रीजन है जहाँ लोकेटेड उसे भाई रीजन बोलता है इट इज़ कॉल्ड एज भाई रीजन भाई रीजन ऑफ गुजरात सो so भाई इज अ फ्लैट प्लेन एलोवियल है ना तो वीन यू टॉक अबाउट द भाई भाई इज़ अ फ्लैट फ्लैट एलोवियल प्लान प्लेन ठीक है

एक और है दैट इज़ जिसके लिए फेमस है हौबारा बस्टर्ड बस्टर्ड शब्द हम यूज़ करते हैं हौबारा बस्टर्ड तो इसके लिए भी इट्स फेमस हौबारा बस्टर्ड है एक और बर्ड है जिसे हम वाइट वाइट स्टार्क भी बोलते हैं वाइट स्टार्क शब्द भी हम यूज़ करते हैं एंड यू ऑल्सो हैव दिस बर्ड कॉड है सारस क्रेन करके है सो so, कई जैसे कई यहाँ पे जो जैसे एक स्पीसीज होती है बस्टर्ड जिसकी बोलता है तो बस्टर्ड की बस्टर्ड की जो स्पीसीज है वेन यू टॉक अबाउट दीज बस्टर्ड्स सो दीज बस्टर्ड्स बेसिकली इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी है लसर फ्लोरिकन भी है बंगाल फ्लोरिकन ये यह सब यहाँ पाई जाती हैं फिर उसके बाद वाइट द ग्रेट बस्टर्ड लिटिल बस्टर्ड होबारा बस्टर्ड्स ये विंटर माइग्रेंट बर्ड्स के रूप में कंसिडर किया जाए तो ऑल द थ्री रेस्टेंट बट्ड बट ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है जैसे मान लो दाइट द ग्रेट बस्टर्ड लिटिल बस्टर्ड होबारा दिज आर विंटर माइग्रेंट्स फिर लेसर फ्लॉरिकन इज अम द स्मॉलेस्ट बस्टर्ड ऑफ द वर्ल्ड ठीक है लेसर फ्लॉरिकन की अगर हम बात करें तो ये भी लेसर फ्लॉरिकन क्या है स्मॉलेस्ट कंसिडर्ड टू बी अमॉलेस्ट बस्टर्ड स्मॉलेस्ट बस्टर्ड ऑफ द वर्ल्ड के रूप में कंसिडर किया जाता है देखो ये सब कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रयास है स्पीसीज जैसे मैंने आपके लिए कवर की है वैसे ये आपको धीरे धीरे करके नेशनल पार्क भी जो उसकी जोग्राफी है वो भी हम लोग कवर कर लेंगे फिर ये जो लेसर फ्लोरिकन है बेसिकली दे आर प्रोटेक्टेड दे आर प्रोटेक्टेड अंडर दे आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल दे आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाइल्ड लाइफ शेड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू ये भी याद रखना है सौराष्ट्र इज़ कॉल्ड द तिलोर एंड भाल एरिया तिलोर और भाल एरिया भी कहा जाता है सौराष्ट्र को तिलोर एंड भाल एरिया कंसिडर टू भी तिलोर एंड भार एरिया के रूप में भी कंसिडर किया जाता है तो दीज आर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दैट वी नीड टू नो फिर तीसरा जो है गुजरात के अंदर ही प्रेजेंटली वी आर डिस्कसिंग सो थर्ड वन इज दैट इज़ वंसदा नेशनल पार्क करके है वंसदा नेशनल पार्क है यू हैव वंसदा नेशनल पार्क सो ये क्या है ये ग्रे uh, हॉर्नबिल के लिए फेमस है दिस इज़ फेमस फॉर ग्रे हॉर्नबिल ग्रे हॉर्नबिल के लिए आपका फेमस है एंड एक और बर्ड के लिए फेमस है दैट इज़ वुड पेकर वुड पेकर के लिए भी फेमस है दिस इज़ ऑल्सो फेमस इसके लिए भी फिर क्या है इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट जोन वेस्टर्न घाट जोन का हिस्सा है आ, है ना जो कि गुजरात में जो हिस्सा प्रेजेंट है हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है जो मतलब डाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट बर्ड्स इज़ द मेन अट्रेक्शन काफ़ी जो बर्ड्स की डाइवर्सिटी है वो देखने को यहाँ पर मिलती है नेक्स्ट जो है दैट इज़ मैराइन नेशनल पार्क यू हैव दिस वट वी कॉल इट एज़ मैराइन नेशनल पार्क सो ये क्या है कि मैंग्रोव प्रजेंट है और सुंदरबन के बाद सेकेंड सबसे ज़्यादा मैंग्रोव इसी रीजन के अंदर हैं फिर यहाँ पे यहाँ पे गल्फ़ ऑफ कच इज़ द ओनली प्लेस लेफ्ट अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट आफ्टर गल्फ ऑफ मन्नार वेयर लाइव कोरल्स ऑकर ऑल द डेड कोरल्स आर प्रिंटी तो यहाँ पे क्या है कोरल्स प्रजेंट है गल्फ ऑफ मन्नार केला बट यहाँ पे क्या है कि गल्फ ऑफ कच्छ में जो कोरल प्रेजेंट है जो कि इसका हिस्सा ही है गल्फ ऑफ कच्छ सेकेंड सबसे ज़्यादा है गल्फ ऑफ मन्नार के बाद बट मैक्सिमम कोर आर डेड ठीक है कमेंट सेक्शन में बताओ वट इज़ कोरल ब्लीचिंग नेक्स्ट देखते हैं दैट इज़ गल्फ़ ऑफ कच्छ मैराइन नेशनल पार्क यू हैव गल्फ ऑफ कच्छ मैराइन नेशनल पार्क मैराइन नेशनल पार्क सो गल्फ़ ऑफ कच्च वॉज फर्स्ट मैराइन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी इस्टाब्लिश्ड इन इंडिया और कब इस्टिशमेंट हुआ था नाइनटीन हंड्रेड एंड एटी टू को जो है इट वॉज़ स्टाब्लिश्ड इट वॉज इस्टिश एंड अंडर किसके तहत अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू गल्फ़ ऑफ कच्च में इट अकाउंट्स फॉर नाइन्टी थ्री परसेंट ऑफ गुजरात 93 थ्री परसेंट ऑफ़ दैट इज़ गुजरात मैन ग्रोव नाइन्टी थ्री परसेंट ऑफ द गुजरात मैन ठीक है ये डिफैक्ट याद रखना है तो जैसे <coughs> यहाँ पे अगर इफ विल सी तो जैसे मान लो इफ़ यू टॉक अबाउट गुजरात तो ये आ, अगर यू थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ कर लें ठीक है तो यहाँ पे इस टाइप से तो इस साइड यहाँ पे यू विल हैव दिस, दिस दिस दैट इज़ मेराइन नेशनल पार्क यू हैव दिस दैट वी कॉल इट इज मेराइन नेशनल पार्क देन हियर यू हैव अ गिर नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क देन इधर आपके पास ब्लैक बग हो जाएगा ब्लैक बग नैशनल पार्क और नीचे थोड़ा साइड से होगा दैट इज़ वंश वंस द नैशनल पार्क ये फैक्ट्स यू हैव टू नो ठीक है दिस फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट तो प्रयास यही है कि अच्छा आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को मिस नहीं करें बिकॉज दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं कर्नाटका के बारे में कर्नाटका के कंटेक्स्ट में देखते हैं लेट्स सी द अबाउट द कर्नाटका तो धीरे धीरे एक एक स्टेट धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे तो कर्नाटका में फर्स्ट दैट इज़ अनसी नेशनल पार्क अंसी नेशनल पार्क ये क्या है ये कहा जाता है कि इट इज़ पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ काली काली टाइगर रिज़र्व इट इज़ पार्ट ऑफ़ काली टाइगर रिजर्व ये याद रखना है इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ दन ऑफ द ट्वेंटी फिफ्थ द ग्लोबल बायो डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ऑफ द वेस्टर्न घाट तो ये ग्लोबल बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आता है बायो डाइवर्सिटी बायो डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के अंदर इट इज़ इट कम्स एंडर ठीक है क्योंकि वेस्टर्न घाट का हिस्सा है दैन धंधेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एन अंशू नेशनल पार्क मेक्स धंधेली अंसी टाइगर रिज़र्व ये भी आपको याद रखना है एक आपका बनता है दैट इज़ धंधेली अंसी धंधेली अंसी टाइगर रिज़र्व यू हैव दिस अंसी टाइगर रिज़र्व सो so, धंधेली अंसी जो टाइगर रिज़र्व है इसमें धंधेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अनसी नेशनल पार्क आपका है सो इसको एक अलग नाम भी दिया जाता है दैट इज़ काली टाइगर रिज़र्व काली टाइगर रिजर्व ठीक है ये ध्यान में रखना है ये क्या है फिर है? बांदीपुर नेशनल पार्क बांदीपुरा नेशनल पार्क ठीक है ये क्या है इट्स अ पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ नीलगिरी पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ठीक है और इसमें नागर नागरहोल मधुमलाई वायानाथ कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देखा जाए तो एशियन एलिफेंट का ये कहा जाता है इट इज़ होम टू सिंगल लार्जेस्ट एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड जिसमें याद रखना बांदीपुर है नागरहोल है मधुमलाई है वायनाड है ये ध्यान में रखना है टाइगर एंड द एलिफेंट्स आर द फ्लैगशिप अम्ब्रेला स्पीसीज तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है टाइगर तो है एंड द अदर इज़ एलिफेंट्स कर फिर इसके अलावा यहाँ पे आपके ग्रे आ, ये आपका ग्रे लंगूर है यू हैव ग्रे लंगूर ढोले है यू हैव ढोले मगर ये आपका पाया जाता है ठीक है तो ये इम्पॉर्टेंट है फिर इसके बाद देखा जाए तीसरा जो है दैट इज बनर घट्टा बनर घट्टा <coughs> बनर घट्टा जो है ये बेंगलोर के अंदर है बेंगलोर अरबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ठीक है नेक्स्ट जो है दैट इज कुद्रमुख नेशनल पार्क कुद्रमुख नेशनल पार्क ठीक है सो so इसमें जो है कई रिवर्स बहके जाती हैं जैसे तुंगा रिवर बहके जाती है भद्रा रिवर बहके जाती है दोनों मिलके तुंग भद्रा भी बनाती हैं और नेत्रावाठी रिवर बह के जाती है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है नेत्रावाठी नेत्रावाठी रिवर बह के जाती है यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है यहाँ पे प्रेजेंट है एंड अमंग वन ऑफ द थर्टी फोर मतलब ये भी बायोडावर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर ही है कंसिडर किया जाता है क्योंकि वेस्टर्न घाट के अंदर है इट है सिंगल लार्जेस्ट कॉन्टिग्यूस पॉपुलेशन ऑफ लायन टाइल्ड मकाओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगल लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन एक साथ में है दैट इज अबो लायन टेल्ड मकाओ लायन टेल्ड मकाओ फिर उसका नेक्स्ट है दैट इज नागर होल नागर होल नेशनल पार्क यहाँ पे एलिफेंट्स बहुत है, गुड नंबर ऑफ एलिफेंट्स नोन फॉर दैट एंड यहाँ पे एज वी कैन से जो इंटायर नागरहोल है बांदीपुर है मधुमलाई है वायानाड है तो दीज आर कंजर्वेशन यूनिट होल्ड सिंगल लार्जेस्ट सोर्स पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड तो ये आप खुद देख सकते हो कि टाइगर पॉपुलेशन के लिए दे आर ऑल्सो नोन ये जो रीजन है दैट इज नागरहोल बांदीपुर मधुमलाई एंड वायानाड यहाँ से दो मेजर रिवर है बहती हैं देर आर टू मेजर रिवर्स दैट फ्लोज थ्रू दिस रीजन एंड दो जैसे टू मेजर रिवर्स एक आपकी कामिनी रिवर है आ, है ना एक तो आपकी लक्ष्मण एक बहुत बड़ा नाम है लक्ष्मणा थिरथी करके है नॉर्थ में और एक कामिनी रिवर साउथ में बहती है कामिनी कामिनी रिवर वी आर टॉकिंग अबाउट नागरह होल ठीक है कामिनी रिवर जो है वो ये इसके साथ, नागर होल नेशनल पार्क के साउथ में जो है बहती है तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना अगेन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर एग्जामिनेशन तो देखो ये कोर्सेस एक्टिव हैं एंड प्लीज़ डोंट मिस द करंट अफेयर कोर्स ठीक है एक तो आई का कोर्स है इसके वीडियोस अभी थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई है इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया ये आई आर का बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है ठीक है देखो है न इसके अलावा आपका जो करंट अफेयर का कोर्स है तो इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना सौरभ पांडे यू वेबसाइट पर आप जा सकते हो तो ये करंट अफेयर टू ईयर्स का कवरेज हो रहा है कंप्लीट कवरेज दो साल का ठीक है जो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है तो इस अभी आपके पास क्योंकि एक्स्ट्रा 21 दिन बच गए हैं तो इस कोर्स को जरूर से ज़रूर करो टू ईयर्स एडवांस करंट अफेयर्स इसके बाद अगर आपने इस कोर्स को कर लिया तो साइंस टेक जोग्रफी एनवायरमेंट के एडवांस उसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंटेंट सेम रहेगा फिर एग्रीकल्चर जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल देखो जी के लिए एग्रीकल्चर एक अलग स्पेसिफिक तरीका है जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो उसमें आपको ऐसा नहीं देखना है कि यू आर थिंकिंग की आ, है ना कि जैसे आप उसे जोग्राफी या इकोनॉमी के टर्म्स पर पढ़े एग्रीकल्चर एक अपना एक सब्जेक्ट होता है जिसको पढ़ना जरूरी है तो एग्रीकल्चर फॉर जी इंटरनेशनल रिलेशन ये अगर बात किया जाए तो ये कोर्स भी इम्पोर्टेंट है सब कोर्स आपके रन हो रहे हैं ऐप सौरभ पांडे सी एस ई ऐप है और कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर से टू इयर्स एडवांस करंट अफेयर्स तो मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर थैंक यू एवरीवन थैंक यू